हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज है मंडे और मैं भी बना रही हूँ सुबह की चाय। और आज मैं काफ़ी दिनों बाद ये वीडियो बना रही हूँ, इसके लिए आई एम सो सॉरी। एक्चुअली कुछ ज़रूरी काम था जिसमें मैं थोड़ी सी बिजी हो गई थी, तो बस चलिए कोई नहीं, अब मैं वापस से ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। रेगुलर तो मेरा ब्लॉग नहीं आएगा, इसके लिए तो मैं पहले से ही मैं सॉरी बोलती हूँ, पर मैं कोशिश करूँगी कि जितना हो सके मैं ब्लॉग दे सकूँ। तो चलिए पहले चाय पीते हैं, और चाय पीने के बाद जो है सो मैं नाश्ता बनाती हूँ। नाश्ते में मैं मैक्रोनी बना रही हूँ, और इनका लंच मैंने तैयार कर लिया है और पैक भी कर दिया है, तो बस अब ये तैयार हो रहे हैं। इधर मैं सिस्टी के लिए जो मैक्रोनी बना रही हूँ, तो इसके लिए मैंने पास्ता जो है वो मैंने उबाल लिया है। अब मैं पैन एक ली हूँ, पैन में मैं थोड़ा सा ऑयल डाली हूँ और उसमें मैं कटी हुई शिमला मिर्च और प्याज डाल के हल्का सा बस भून ली हूँ। ज़्यादा देर तो इसमें वैसे भी नहीं मैं भूनती, बस थोड़ी देर भूनने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा मैगी मसाला या जो नूडल्स मसाला आते हैं बस वो मैंने थोड़े से डाले हैं। उसके बाद थोड़े से सॉसेस वगैरह डाल के और जो पास्ता मैंने बॉईल किए थे वो मैंने डाल दिए हैं। बस इन सबको लेके बस मैंने थोड़ा देर पकाया है, और उसके बाद ये जो है हमारा पास्ता तैयार हो गया है। उसके बाद मैं थोड़ी तैयार हो जाती हूँ, और आज मुझे एक्चुअली निकलने हैं मार्केट, कुछ ज़रूरी काम है वो मुझे करने हैं, और दूध वगैरह तो खैर ये सब लेने ही है। मैक्रोनी बनाने के बाद मैं चली जाती हूँ तैयार होने के लिए। एक्चुअली मुझे इनके साथ ही निकलने हैं, ये ऑफिस के लिए निकल जाएंगे और मैं मार्केट निकल जाऊँगी। यहाँ के मार्केट 24 आवर, मैक्सिमम जो मार्केट होते हैं वो 24 आवर खुले रहते हैं, तो इसीलिए मैं सुबह ही निकल जाती हूँ। सुबह थोड़ी सी गर्मी भी कम होती है और मेरा काम भी उस समय में ज़्यादा हो जाता है, तो बस इसलिए मैं निकल रही हूँ। तो चलिए अब मार्केट मैं निकलती हूँ। और ये देखिए बहुत अच्छा अभी मौसम था, सुबह में ज़्यादा धूप नहीं थी, नहीं ये तो नहीं मैं कहूँगी कि गर्मी नहीं थी, पर हाँ गर्मी थी पर थोड़ा सा मतलब ठीक था। सुबह में ज़्यादा भीड़ भी नहीं होती है मार्केट में, तो इसीलिए मैं निकल गई थी। तो चलिए मार्केट पहुँचते फिर वहाँ मैं दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही मैं एंटर करती हूँ गणपति जी के दर्शन होती है, बहुत अच्छा लगा मुझे। गणपति जी एक्चुअली यहाँ पे पूजा के सारे सामान बेची जा रही है, तो यहाँ पे मूर्तियाँ भी गणपति जी की मिलती है, क्योंकि अभी गणपति जी का वो आने वाला है, पूजा होने वाला है, तो अब यहाँ पे गणपति जी भी बहुत अच्छे अच्छे मिल जाते हैं। और ये देखिए कितना प्यारा प्यारा सामान यहाँ पे बिक रहा है, तो मुझे तो लेनी नहीं थी क्योंकि मैं इस बार नहीं गणपति जी घर में बैठा रही हूँ, क्योंकि उस टाइम तक शायद मेरा सामान चला जाएगा, तो इसलिए मैं गणपति जी का इस बार नहीं मैं कर रही हूँ पूजा। बस ऐसे ही बस थोड़ा सा मैं कर लूँगी, प्रॉपर तरीके से मैं गणपति जी नहीं बिठा रही हूँ। और वैसे तो खैर मैं बहुत ज़्यादा हम लोग के यहाँ नहीं होती है गणपति जी का, लेकिन चूंकि मेरी बेटी को बहुत शौक़ होता है तो थोड़ा बहुत मैं करती हूँ, तो यहाँ आई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद बस ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं ऐसे जो मैंने सूट किया है, मैंने ये सब चीज़ें लिया तो नहीं है, बस मैंने थोड़ा सा सूट किया है अच्छा लगा तो। और यहाँ पे देखिए ये आर्टिफिशियल प्लांट्स हैं, मुझे बहुत प्यारे लगे थे आर्टिफिशियल प्लांट, तो मुझे लगा कि अगर 20 दिरहम तक दे देता है, 20 या 25 तक भी दे देगा तो मैं ले लूँगी, पर बहुत कॉस्टली मुझे लगे। ये 99 दिरहम के थे, इतना तो मुझे नहीं लगता है 99 का वर्थ है इसमें ये लेना, पर हाँ बहुत सुंदर लग रहा था तो ये मैंने इसलिए सूट किया था। ये देखिए मैं प्राइस दिखा रही हूँ, ये है 99 की। उसके बाद मैं फ्लावर्स वगैरह भी देखती हूँ, खैर हैं तो बहुत प्यारे प्यारे, बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पे थे, पर एक्चुअली मैंने ले भी लिया है पहले से ही, मेरे पास हैं इतने, तो मैं बहुत ज़्यादा तो ये सब नहीं लिया है। बस मैं यहाँ पे ऑयल का जो बॉटल स्प्रे आती है ना, स्प्रे वाली बॉटल, तो वो बस मैं लेने के लिए आई हूँ, और मैं देखूँगी जो मुझे अगर कुछ पसंद आता है तो मैं लूँगी। अभी तो फ़िलहाल मैं ऐसे ही देख रही हूँ, मुझे अभी तक तो इतना ज़्यादा ऐसा कुछ लगा नहीं कि मैं इसे लूँ, पर हाँ प्यारा ज़रूर लग रहा है, बहुत अच्छे अच्छे लग रहे हैं, सुंदर बहुत लग रहे हैं, तो चलिए आप भी देखिए। Thank you.
ये देखिए फ्रेंड्स, मुझे यहाँ पे ऑयल स्प्रे बॉटल मिल गई है। एक्चुअली मैं जो एयर फ्रायर लाई हूँ ना, उसके लिए मुझे चाहिए। उसमें जब मैं बनाती हूँ तो उस पर स्प्रे किया जाता है, जिससे मतलब बहुत अच्छे से स्प्रेड हो जाता है ऑयल उस पर। तो वो मेरे पास नहीं थी, बस ये मैं ढूंढ रही थी। तो चलिए, ये तो मुझे मिल गया है और आगे भी मैं आपको दिखा रही हूँ कि और यहाँ पर क्या क्या मिलता है। Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong. अभी बज रहे हैं 10:30 और मैं मार्केट से आ गई हूँ। मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए हैं। एक्चुअली मैं कुछ काम करके नहीं गई थी, क्योंकि सुबह ही मैं 8:30 बजे निकल गई थी, तो सारे काम जो है सो मेरे ऐसे ही पड़े हुए थे, डस्टिंग वगैरह। तो मैं आते ही फिर अपना ड्रेस वगैरह चेंज करके फिर मैं डस्टिंग कर रही हूँ। तो डस्टिंग वगैरह सारा करने के बाद जैसे मेरे सारे काम ख़त्म हो जाते हैं, तो फिर मैं जो भी लेके मैं आई हूँ वो मैं आप लोग को दिखाती हूँ। ज़्यादा कुछ मैं लेके नहीं आई हूँ, बस जो दूध दही ये सब मैं लेके आई हूँ, और एक ट्रे और एक ऑयल बॉटल स्प्रे लेके आई हूँ। बस यही लेके आई हूँ। तो ये सब काम खत्म करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। मार्केट से आ गई हूँ, मैं फ्रेश हो गई हूँ। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं मार्केट से क्या क्या लेके आई हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये सब मैं मार्केट से लेके आई हूँ, मैं निकाल ली थी। और ये है सैलेड चिप्स। एक्चुअली ये मेरी बेटी को बहुत पसंद है, तो मैं उसके लिए लेके आई थी। ये चिप्स है, बस कुछ नहीं, थोड़ा बहुत ही मैं सामान जो डेली यूज़ वाले होते हैं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके ही मैं ला रही हूँ। पहले भी मैंने आपको बताया था, टमाटर है, आलू है, रस्क है। ये मेरा टूथपेस्ट खत्म हो गई थी, तो ये मैं टूथपेस्ट लेके आई थी। और दही है, दूध है, और ये मैं एक लेके आई हूँ स्प्रे बॉटल, ऑयल स्प्रे बॉटल। ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी, ये 550 की है। और साथ में मैं एक ट्रे लेके आई थी, वो मैंने सेंटर टेबल पे लगा दिया है। मैं डायरेक्ट आपको मैं उसी में दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, यही है वो ट्रे है जो मैं अभी लेके आई थी। ये भी मुझे 550 की ही दी थी, काफ़ी अच्छी लगी, छोटी सी है, बस यही सेंटर टेबल पर रखने के लिए लेके आई थी, तो मैंने लगा भी दिया है। तो फ्रेंड्स, मैंने सारे काम कर लिए, मेरा सारा काम हो चुका है। एक्चुअली मैं मार्केट सुबह ही चली गई थी, ये जब ऑफिस के लिए निकल रहे थे तभी मैं निकल गई थी। और यहाँ सुबह ज़्यादातर जो मार्केट है 24 आवर होती है, तो वो खुली रहती है, तो इसलिए मैं निकल गई थी, काम था। तो दूध दही वगैरह ये सब तो लाना ही था, प्लस मुझे एक छोटा सा बॉटल ऑयल स्प्रे आती है वो एक्चुअली लेनी थी। तो उसके लिए मैं जा रहा था, मैं देखी थी काफ़ी अच्छा प्राइस पर मिल रहा था, तो वो मैं लेने की चली गई थी। और कुछ वहाँ पर नए स्टॉक भी आए थे, तो मैंने सोचा कि चलो मैं वो तो लूँगी ही, साथ में नए स्टॉक भी देख लूँगी कि अगर कुछ पसंद आया तो मैं ले लूँगी। तो बस इन सब चीज़ों के लिए ही मैं निकल गई थी मार्केट। तो वहाँ से मैं करीब 10:30 के आसपास में आ गई थी वापस भी, 2 घंटे में मेरा हो गया था सारा काम। तो मैं वापस आ गई थी, उसके बाद मैंने जो घर का काम है वो सब सारा किया। उसके बाद हमारा जो हाउस हेल्पर है वो भी काम करके चला गया। तो ऑलमोस्ट मेरा सारा कुछ हो चुका है।
और मैं जो जो लाई हूँ आप लोग को दिखाई, मैं ज़्यादा कुछ खास लाई नहीं हूँ। तो बस ये सब था, तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। ये आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए इस ब्लॉग को मैं अब यहीं एंड करती हूँ, आई होप आप लोग को अच्छा लगे। अब मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा।